हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट एडसेंस अल्टरनेटिव के बारे में। जैसा कि जिस तरह से गूगल एडसेंस सबका डिसेबल हो रहा है, जिस तरह से गूगल एडसेंस लोगों का अप्रूव नहीं हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और हमें एक अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहाँ पर हमारा गूगल एडसेंस अब डिसअप्रूव ना हो, मतलब रिजेक्ट ना हो, साथ ही साथ यहाँ पे गूगल एडसेंस हमारा बैन ना हो, डिसेबल ना हो जाए, ये सारा डर भी ना बना रहे। तो इसके लिए हमें एक बेहतर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है और वो मुझे मिला है द मोनेटाइजर के नाम से। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इजीली अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हो और जितने भी गूगल एडसेंस के एड्स आप फॉर्मेट यूज कर सकते हो ना, सेम वो सारे फॉर्मेट यूज कर सकते हो। खास बात ये है कि इसके अंदर यहाँ पे बेसिकली वीडियो एड्स भी आप रन कर सकते हो, जिससे आपकी रेवेन्यू बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। और इसके अंदर एक तो सबसे बड़ा डर ख़त्म हो जाता है, जब आपकी वेबसाइट मोनेटाइज हो गई है तो उसके बाद आपको यहाँ पे डिसेबल होने का डर नहीं है, एड लिमिट लगने का डर नहीं है, ये सारी झंझट से आप दूर हो सकते हो। तो अभी आपको नहीं पता तो मेरा गूगल एडसेंस अगेन डिसेबल हो गया था, मैंने वीडियो भी बनाई थी, आप पिछला वीडियो देख सकते हो। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि क्या रीज़न है गूगल एडसेंस पे। मैंने बेसिकली वहाँ पे बेसिकली एड्स उतना ज़्यादा दिख नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी गूगल एडसेंस को लगा कि आपकी साइट पे एडसेंस का एड्स बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जिसकी वजह से हम आपका गूगल एडसेंस डिसेबल कर रहे हैं। तो ये रीज़न दिया था। तो मैं नहीं चाहता कि भाई मैं कोई ऐड नेटवर्क में मेहनत करूँ, अपनी साइट पे पैसे बन रहे हैं, जैसे ही भाई पैसे रिसीव होने की बारी आए तो आप हमारा गूगल एडसेंस ही बंद कर दो। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है नहीं फेस करना है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। और द मोनेटाइजर कैसे आप यूज कर सकते हो, कैसे साइन अप कर सकते हो वहाँ पे, और पेमेंट वगैरह कैसे मिलता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आप अप्रूवल ले सकते हैं। ओके, तो अभी लैपटॉप स्क्रीन पे है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली वीडियो फिर से हो गया एडसेंस डिसेबल। और ये अक्टूबर में हुआ था, पिछले मंथ में हुआ था, और एक दिन पहले, दो दिन पहले ये वीडियो आया था। तो इसे आप देख लेना और एग्जैक्ट रीज़न मैंने दिखाया है कि मेरा गूगल एडसेंस क्यों डिसेबल हुआ। अगर आपका गूगल एडसेंस पे एड्स वगैरह चल रहे हैं, अप्रूव है, तो ये वीडियो एक बार देख लेना, आपका अभी एडसेंस अकाउंट सस्पेंड या डिसेबल होने से बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्लेटफॉर्म जो यूज करने वाले हैं वो है themonetizer.com, देख सकते हैं us.themonetizer.com, और ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप चाहो तो यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो इस साइट की, आप जो भी जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, यहाँ पे इतने सारे लैंग्वेज दिए गए हैं तो ये सारे लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो। और नीचे की तरफ आए ना तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 52 कंट्री में चलता है, 10,000 प्लस पब्लिशर है और 50 प्लस पार्टनर इसके अंदर हैं। और नीचे की तरफ देखोगे ना तो यहाँ पे ये हेडर बिडिंग के थ्रू चलता है, एड क्वालिटी एड ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे सबसे बड़ी बात है कि कौन कौन से एड फॉर्मेट हमें देखने को मिलता है और यही हमें चाहिए। तो यहाँ पे एड यूनिट सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऐड यूनिट आपको देखने को मिल जाएगा। स्काई स्क्रैपर है, बॉटम मीडियम रेक्टेंगल है, मतलब मेगा स्काई स्क्रैपर है, मतलब इसके अंदर ना जो एडसेंस के अंदर आप ऐड फॉर्मेट देखते थे ना, वो सारे ऐड फॉर्मेट इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। मेगा बैनर बॉटम में जो एड्स दिखता है वो सारे एड्स मिल जाएंगे आपको। एंड यहाँ पे और भी नीचे करें तो देखो बिलबोर्ड भी आपको मिल जाता है, जो ऊपर हेडर की तरफ आपको ज़्यादातर एड्स देखने को मिलते हैं। और नीचे की तरफ आएंगे तो ऑल सी ऑल एड यूनिट पे मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ और सारे एड यूनिट आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड एड यूनिट में, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे देख सकते हो हाफ पेज एड यूनिट भी इसके अंदर है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ना, इसके अंदर एक और एड यूनिट है, देख सकते हैं ये वीडियो ऐड, ठीक है। ये वीडियो ऐड यूनिट जो है ना, इसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आपका बन जाता है। और साथ ही साथ इसके अंदर देखो इंटरेस्टियल ऐड भी है, फुटर और स्लाइड ऐड भी है, पॉप ऐड भी है, और रिकमेंडेड कंटेंट भी यहाँ पे वो वाला ऐड भी दिख जाएगा, रिकमेंडेड एकदम रिलेटेड एड्स दिखेंगे, तो उस पर क्लिक्स होने के चांस भी यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये सभी प्रकार के ऐड फॉर्मेट हमें प्रोवाइड कर रहा है और ये गूगल एडसेंस की तरह इसके एड्स दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा लगेगा कि भाई ये क्या इधर उधर का स्पैमी टाइप का एड्स दिख रहा है, नहीं, इसमें जितने भी एड्स आपको दिखेंगे बिल्कुल प्रॉपर गूगल एडसेंस की तरह ही ऐड दिखेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले तो देखो साइन अप बटन पे आपको क्लिक करना है
और साइन अप बटन पे क्लिक करने के लिए आपको लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल आईडी, स्पॉन्सर कोड भी आप डाल सकते हो। मैं ट्राई करूँगा डिस्क्रिप्शन में स्पॉन्सर कोड दे दूँ तो वो डाल सकते हो। पासवर्ड अपना डालो, पासवर्ड को कन्फर्म करो, लैंग्वेज सेलेक्ट करके आई एम नॉट रोबोट क्लिक करके स्टार्ट मोनेटाइजिंग पर क्लिक करो। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको एक ईमेल मिल जाएगी, तो उस ईमेल को आपको वेरीफाई कर लेना है। ईमेल को वेरीफाई करने के बाद अब आपको बेसिकली करना क्या है, आपको लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन करने के बाद आपको कुछ डैशबोर्ड दिखेगा इस तरह का। अब इसके अंदर आपको अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करने के लिए बेसिकली आपको अपनी माई साइट में जाना है और नई साइट को ऐड करना है। तो माई साइट पे जाने के बाद ऐड न्यू साइट पे क्लिक करके कुछ इस तरह से साइट को डाल सकते हो। अब जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइट वन, साइट टू, साइट थ्री करके है। तो यहाँ पे रेवेन्यू कुछ इस तरह से आपको दिखेगी, टोटल बैलेंस दिखेगा यहाँ पे, और यहाँ पे ऐड फॉर्मेट यहाँ से आप देख सकते हो ऐड यूनिट कितने क्रिएटेड हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल्स यहाँ पे दिखेंगी आपको। और यहाँ पे ऐड न्यू साइट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐड न्यू साइट का ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ से देखो अपने वेबसाइट का यूआरएल आपको टाइप कर देना है एंड वेबसाइट की कैटेगरी को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। वेबसाइट की इस कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखो मिनिमम यहाँ पे विजिटर देखो दिखा रहा है 25,000 मिनिमम विजिटर्स होने चाहिए तभी यहाँ पे बेसिकली मंथली ये है, ऐसा नहीं है कि 25,000 रोज का। तो ये मंथली विजिटर दिखा रहा है, 25,000 मंथली विजिटर आ रहे हैं अपनी साइट पे तो ईजिली आपको अप्रूवल मिल जाएगा। तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, जैसे इनको बता सकते हो कि भाई हमारा कितना मंथली ट्रैफिक है, तो वो यहाँ से कर सकते हो आप। तो इतना करने के बाद उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद ads.txt फाइल को अपने वेबसाइट के ads.txt वाले सेक्शन की जगह पे आपको डाल देना है। अब ads.txt का एक प्लगइन भी आता है तो वो इंस्टॉल करके आप डायरेक्टली वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो और यहाँ से वो वेरीफाई हो जाएगा। तो साइट इस तरह से आपकी ऐड हो जाएगी और कंसेंट बैनर को भी आपको यहाँ पे इनेबल कर देना है। तो इस तरह से कंसेंट बैनर जब इनेबल कर दोगे तो यहाँ पे आपका मैं दिखा देता हूँ। तो इस तरह से जब अप्रूवल आपको मिल जाएगा तो स्टेटस इस तरह से ग्रीन हो जाएगा, ads.txt तुरंत ग्रीन हो जाएगा जैसे ही वेरीफाई होगा, और CMP भी आपका थोड़ी देर में वेरीफाई हो जाएगा। तो अप्रूवल यहाँ पे भी लेना है, ऐसा नहीं है कि आप गए तुरंत आपको तुरंत अप्रूवल है आप मोनेटाइज करना शुरू करिए। भाई इसकी इस साइट की भी पॉलिसी अच्छी है और ये कोई स्पैम टाइप का कोई ऐसा नहीं ऐड नेटवर्क है कि जो आपको फालतू के एड्स दिखाएगा, काफ़ी अच्छे एड्स दिखेंगे और लगेगा कि हाँ भाई ये भी एड्स गूगल की तरफ से ही दिखाए जा रहे हैं, ऐसा लगेगा आपको, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ इस तरह से अप्रूवल आप ले सकते हो। वर्डप्रेस का प्लगइन है, डायरेक्टली आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो और सारी चीज़ें आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे ही सारे चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। तो ये बेनिफिट है इसके अंदर। और यहाँ पे आपको माई प्रोफाइल कंप्लीट कर लेना है। माई प्रोफाइल के अंदर बेसिकली आपको सब कुछ डाल लेना है, जैसे कि आपका ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और आप पेमेंट कैसे रिसीव करोगे। तो यहाँ पे पेमेंट आप डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएगा जैसा कि गूगल से आता है। तो यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल पूरा भर देना है। और इसके अंदर भी बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे कि हम गूगल एडसेंस के अंदर स्विफ्ट कोड डालते हैं पेमेंट रिसीव करने के लिए, तो सेम यहाँ पे भी पेमेंट इन्फॉर्मेशन में आपको स्विफ्ट कोड डालना पड़ेगा और डायरेक्टली आपको पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इजीली यहाँ से मोनेटाइज कर सकते हो। और यहाँ पे मोनेटाइज करिए, ट्रैफिक है आपकी साइट पे, मोनेटाइज करिए। जितना पैसा गूगल एडसेंस दे रहा है मैं कहता हूँ उससे बेहतर ही आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए बेसिकली themonetizer.com पर आपको जाना है, देख सकते हैं us.themonetizer.com। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इस साइट का लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से आप जा सकते हो। एंड ये वीडियो पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, कि यहाँ पे इसने मुझे पैसे दिए हैं प्रमोट करने के लिए। मैं इस पे खुद काम करने वाला हूँ, क्योंकि आपको भी पता है मेरे बहुत सारे गूगल एडसेंस डिसेबल हो चुके हैं। और अब मैं कोई bloggingskill.com को जो ये हमारी साइट है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ किसी और एडसेंस पर इसको डालकर। तो यहाँ पे बेसिकली मैं अब काम करने वाला हूँ द मोनेटाइजर पर, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे सेम रिजल्ट मिलेंगे, सेम अर्निंग होने वाली है, ठीक है, मच बेटर हो सकता है उससे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। ब्लॉगिंग, SEO, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कॉन्टेंट देखना आपको पसंद है तो ये चैनल आपके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।